नारायण नारायण नारायण। हे जगत के पालनहार, आज की इस सभा का क्या प्रयोजन है कृपया बताएं प्रभु। हाँ देव ऋषि, मैंने आप सभी देवगणों को इसलिए बुलाया हूँ कि दानव और मानव के कल्याण के लिए मेरे मन में कुछ विचार उपस्थित हुआ है। कैसा विचार लक्ष्मीपति? हे परम पिता, विश्व के कल्याण के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, कहना ठीक है। आपका क्या विचार? आपका विचार अति उत्तम है, यज्ञ अवश्य होनी चाहिए। आपका क्या विचार है महादेव? बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। दक्षराज बहुत ही देर से आपकी प्रतीक्षा हो रही थी। दक्षराज अब आप आ ही गए हैं तो विश्व के कल्याणकारी इस यज्ञ के बारे में विस्तार से बताएं प्रभु। हाँ दक्षराज, महायज्ञ के स्थान आदि के बारे में बताएं। अवश्य ब्रह्मदेव, सारी हवन सामग्री एवं अन्य सामग्री मेरे ऊपर छोड़ दिया जा, परंतु मैं चाहता हूं कि इस यज्ञ में शंकर का भाग नहीं होना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हो प्रजापति? ये तो असंभव है। आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि महादेव को तो धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं प्रजापति जी? आपने देखा नहीं सुरेंद्र, जय माया आवा सभा ने अभिनंदन किया, लेकिन वर्ष शंकर ने कभी नहीं किया। नारायण नारायण, तो क्या हुआ महाराज? आखिर वो आपके दामाद हैं? प्रजापति का कथन सत्य है, ससुर और पिता एक समान होते हैं।
परंतु शंकर ने सम्मान नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं ऋषिवर, यज्ञ में महादेव का भाग ना हो। आप नहीं जानते ब्रह्मदेव, पिता या ससुर का सम्मान नहीं करना धर्म का विरोध है। धर्म और अधर्म मुझे मालूम है भिन्न, मुझे आप मुझे मत समझाइए। जो प्रजा का अधिपति बनने के बाद इन चूर रहता हो, मैं उसका सम्मान कदापि नहीं कर सकता। सुन लिया ना आप सभी ने, जो दिन रात स्मशान में पड़े रहो, भांग धतूरा कहता हूं, वो क्या जाने हम मान सम्मान की बात। प्रजापति जी, आपको महादेव का अपमान करने का कोई हक नहीं है। प्रजापति जी, आप शांत रहे देवेंद्र, इस अवघर को मैं अच्छी तरह जानता हूं। भोलेनाथ को अपमान कर रहे हैं? नहीं वरुण देव, मैं सत्य का बखान कर रहा हूं। इस भरी सभा को छोड़कर मत जाइए भगवान। ये आपने अच्छा नहीं किया दक्षराज जी। दक्षराज जी, शिव क्रोधाग्नि को भगाकर आपने यह बहुत बुरा किया। कहीं ऐसा ना हो कि उसका त्रिनेत्र खुल जाए और सृष्टि का विनाश हो जाए। हाँ, शिव जी तो सृष्टि के संहारक है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अपनी पुत्री सती का विवाह करके पछता रहा हूं। नारायण नारायण, सब प्रभु की माया है दक्षराज। अब शिव जी तो चले गए अपने कैलाश की ओर, अब यज्ञ का अनुष्ठान शुरू कीजिए महाराज। भृगु जी, हवन सामग्री इत्यादि सबको तैयार किया जाए। जैसी आपकी इच्छा। चलिए नारद जी, सारी सामग्री का व्यवस्था करनी है। अवश्य गुरुदेव।